ये मेथी दाना डाला है, सरसों डाल दो, आप बोलते जाओ। अभी थोड़ा सा सरसों डाल दिया, उसको थोड़ा सा पकने के बाद में 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, हींग भी डालना है, और ये थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। अपने अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा पकाएंगे इसको, इसमें हमने टमाटर मिर्ची अदरक पीस के रखा हुआ है, ये हमने कसूरी मेथी थोड़ा सा डाला है टेस्ट के लिए, इसको 2 मिनट धीमे आंच में पकाएंगे। जब थोड़ा ब्राउन हो जाता है जीरा पकने के बाद, ऊपर से टमाटर डाल देंगे। ये टेस्ट के लिए हमने सूखा लाल मिर्च डाला है, पनीर सॉफ्ट होता है, मटर थोड़ा टाइट होता है, इसलिए हम मटर को पकाने के लिए साथ साथ में ही मटर डाल देंगे, ताकि टमाटर के साथ साथ मटर भी पकता रहेगा। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, ये हमने अभी 5 मिनट टमाटर को पका लिया है, मटर भी देखिए इसके साथ साथ पक गया है। अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे, हमने पनीर डाल दिया है, इसको थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे साथ साथ, जितना हो सके साइड साइड से पानी डालें ताकि पनीर का टुकड़ा टूटे ना। नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा कच्चा अमूल का दूध साइड से डाला है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, पनीर जब डालने के बाद में अगर हम कुछ भी डालते हैं, दूध डालना है, थोड़ा पानी डालना है रस के लिए, तो हम साइड से डालेंगे, बीच में कहीं कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें फिर पनीर का टुकड़े का टूटने का भय रहता है। अभी देखिए हमारे ऐसे के ऐसे पीसेज बिल्कुल सेफ हैं। अब थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ये हरा धनिया डालेंगे, ये हमने हरा धनिया काट कर रखा हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। ये हमने कच्चा हरा धनिया इसके ऊपर से डाल दिया है, इससे आपका टेस्ट बढ़ता है। धनिया एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको किसी भी सब्ज़ी में ऊपर से डालेंगे तो कुछ अलग ही यूनिक सा ही टेस्ट आ जाता है। अब ये हमारा मटर पनीर बनके तैयार है, और बेहद ही बिल्कुल कम मसाले में और बहुत अच्छा पनीर हमने आज बना के दिखाया है। धन्यवाद। ओम शांति।